दोस्तों वीवो की वी सीरीज भाई कैमरा सेंट्रिक फोन्स के लिए जानी जाती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 2 मेगापिक्सल का यूजलेस कैमरा मिल रहा है। बताओ यार कितनी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं आजकल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे वीवो V27 स्मार्टफोन को iQOO Neo 7 स्मार्टफोन के साथ में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि वीवो के अंदर हमें 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ iQOO के अंदर हमें 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि हमें AMOLED पैनल मिल रहा है भाई, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर आपको कर्व डिस्प्ले के हिसाब से स्मार्टफोन लेना है ना भाई, कि देखने में लगे हां यार कोई प्रीमियम फोन आपने हाथ में पकड़ रखा है, तब आप यहां पर Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन में हमें कर्व डिस्प्ले दी गई है भाई, अच्छी बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ में आते हैं। साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहां पर फ्रंट एंड 13 पर बेस्ड है। हां दोस्तों फ्रंट एंड 13 भर भर के आपको ब्लोटवेयर जरूर से मिल जाएंगे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और बात करें अगर हम चिपसेट की, तो यहाँ पर Vivo के अंदर हमें Dimensity 7200 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ iQOO के अंदर हमें Dimensity 8200 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और बढ़िया गेमिंग के हिसाब से यहाँ पर दोनों चिपसेट ना एकदम मस्त है। लेकिन यार अगर आपको टॉप ऑफ द लाइन गेमिंग करनी हो ना, बिल्कुल भाई प्रोफेशनली गेमिंग, डेफिनेटली आप यहाँ पर iQOO की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन में जो हमें Dimensity 8200 दिया गया ना भाई, एकदम टॉप क्लास वाली गेमिंग आपको करवा देगा। कैमरा सेटअप की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया। और सबसे पहले हम बात करेंगे Vivo की, तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी IMX766V सेंसर दिया गया। अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन का मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सैमसंग GW3 सेंसर दिया गया। मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों बैक कैमरा सेटअप के मामले में यहाँ पर भाई Vivo का फोन ही विनर है, क्योंकि जो 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766V सेंसर दिया गया ना इस फोन में, काफी बढ़िया है, काफी अच्छी फोटोज और वीडियोस आप उससे क्लिक कर पाएंगे। यहाँ iQOO ने तो भाई कॉस्ट कटिंग कर दी, 2 का मैक्रो 2 का डेप्थ, सिर्फ यूजलेस कैमरा दिए हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। इसकी जगह पर अगर iQOO वाले अल्ट्रा वाइड कैमरा दे देते ना यार, तो ज्यादा बढ़िया रहता। आमला कभी नहीं देता है। मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो Vivo के फ्रंट में हमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ iQOO के फ्रंट में हमें सिर्फ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे हम मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों सेल्फी लवर्स के हिसाब से भाई यहाँ पर Vivo का फोन ही बढ़िया है, क्योंकि 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा ना, काफी अच्छी फोटोज और वीडियो आप उससे क्लिक कर पाएंगे। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो Vivo फोन के अंदर हमें 4600mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 66 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ iQOO के अंदर हमें 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दोस्तों ओवरऑल बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में iQOO का फोन ही विनर है। बैटरी भी छोटी दी है यहां Vivo ने, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी वही कम ही दिया है, फुल टू फुल इन्होंने यहां पैसा बचाया है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें दोनों स्मार्टफोन में से किसी में भी नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक के भी साथ में आते हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि Vivo फोन की 8+128GB वेरिएंट की कीमत है 33,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन की 8+128GB वेरिएंट की कीमत है 30,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोना दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए भाई अगर आपको मेनली फोन कर्व डिस्प्ले और बढ़िया कैमरा सेटअप के हिसाब से चाहिए, तब आप यहां पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन दोस्तों अगर आपको भाई प्रोफेशनल गेमिंग के हिसाब से स्मार्टफोन होना, बिल्कुल टॉप क्लास गेमिंग के हिसाब से, तब आप यहां पर डेफिनेटली iQOO की तरफ ही जरूर से जाइए। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। गया